नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। शिमला में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद और पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के हस्तांतरण कार्यक्रम का प्रसारण जिला मुख्यालय पर हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और सामान्य लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट परिसर गौरीगंज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने प्रतिभाग किया और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को उन्होंने भी वर्चुअल माध्यम से सुना। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 साल में देश और हर तबके का विकास हुआ है। 8 वर्ष की सेवा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से देश भर में किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त बैंक के खाते में सीधा ट्रांसफर कर प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर इस बात को फलीभूत किया है धरातल पर कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र को, नागरिक को, देश के खजाने को, देश के भविष्य को उन्होंने प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कैसे सशक्त किया है, इसके हम सब चंदौली में केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के मौके पर गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन चंदौली जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास संबंधित चाबियां सौंपी और आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी सहित देश के सभी भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी बड़ी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बिला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ किसानों को पूरे देश में 11वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी की और उसी क्रम में पूरे देश के किसानों को खेती और अपने कारों खेती संबंधी कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के लगातार जो प्रयत्न चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कदम आज 8 वर्ष की सरकार के कार्यकाल पूर्णता पर हुआ। मोदी जी का अभिनंदन है और इसका लाभ, हर योजनाओं का लाभ आकांक्षी जिला। औरैया के बिधुना में रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव कस्बे में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस समारोह में क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व की बात कहकर लोगों को जातियों, वर्ग और समुदाय से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की बात कही। आगे उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए कहा कि वहां मंदिर था और रहेगा। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस प्रकार से हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति के लिए जो काम किया है वो अनुकरणीय हैं, देवी पूज्य हैं और हम सदैव हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलें, ऐसी सद्बुद्धि की कामना मैं आज उनके जन्मोत्सव अवसर पर करता हूँ। वही मस्जिद नहीं, वहाँ तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, वो तो जिस प्रकार से जो चीज़ें निकल कर आ रही देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम अपराध की रोकथाम को गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज में बच्चों को अवेयरनेस के माध्यम से जागरूक किया गया। वहीं प्राइम टीवी ने बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर एसपी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश त्रिवेणी सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर आज त्रिवेणी सिंह आईपीएस यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ आईएमएस कॉलेज में। हम उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लोगों की जो पूंजी है वो अपने बैंक से गायब हो रही है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सर, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जो साइबर क्राइम उस समय बढ़ रहा है, खासतौर पर जो कुछ गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं रहता है कि किस तरह से उनके खाते से पैसा निकल रहा है, उनको किस तरह से अवेयरनेस किया जाए। देखिए, 2-3 तरह के अपराध हो रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया के थ्रू अपराध हो रहे हैं, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है जिसमें ओटीपी आपका ले रहे हैं,
तो मैं सबको ये बताता हूँ कि OTP शेयर ना करें। दूसरा, अगर कोई कहता है कि QR कोड हम भेज रहे हैं और आप स्कैन कर दीजिए आपको पैसा मिल जाएगा, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी QR कोड स्कैन करेंगे वो पैसा देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि फ़ोन कॉल पे जब भी या कोई मेल या SMS में अगर आपसे कोई OTP मांगता है या किसी तरह का पैन मांगता है या आपका बैंक का कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप कतई न दें। कोई भी इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि आपका OTP ले ले। OTP एक सीक्रेट पासवर्ड होता है जो सिर्फ आप और आप ही यूज कर सकते हैं। अगर कोई मानता है तो आप समझिए कि दूसरे एंड पे क्रिमिनल है। तो और सोशल मीडिया पे आप ढेर सारी पर्सनल चीज़ें ना वो करिए, अदरवाइज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत से क्रिमिनल फेक प्रोफाइल, फर्जी प्रोफाइल बना के आपसे दोस्ती करते हैं और अंत में आपको लूट लेते हैं। इसलिए मेरा मानना है ये आभासी दुनिया में जो आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं उसको 10 बार पहले ऑथेंटिकेट करिए, कन्फर्म करिए और तभी किसी तरह का कोई आप ट्रांजेक्शन। जैसा कि सिटी में कुछ लोग ज़्यादा इस समय अवेयरनेस भी हो गए हैं, और बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, जैसा कि अभी जो आधार कार्ड को लेकर और ये राशन कार्ड को लेकर जो एक स्कैम चल रहा है, खासतौर पे उनको फ़ोन किया जाता है ग्रामीण, वो लोग कम समझदार कम पढ़े लिखे होते, तो उस तरह से क्राइम कैसे देखें? देखिए, इसी के तहत गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है उसके और उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोग ये तीनों मिलकर के एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो नुक्कड़ जो ये नौटंकी के माध्यम से हम गाँव के बीच में जा करके और उनको ड्रामा दिखा करके और उनके लैंग्वेज में, उन्हीं के लोकल भाषा में हम गाने बनाए हुए हैं जो उनको बताएंगे ताकि वो अवेयर हों कि हमको क्या नहीं करना है। आज के ज़माने में ये जानना बहुत ज़रूरी कि क्या नहीं करना है। अगर आप क्या नहीं करना है जान जाएंगे तो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए साइबर जागरूकता का ही बहुत बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। हम हर गाँव, हर शहर, हर गाँव तक जाएंगे इसमें। तो ये थे हमारे साथ त्रिवेणी सिंह, IPS क्राइम। हम इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि खास तौर पे जो क्राइम, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर अवेयरनेस स्कूलों में दी जा रही है, कॉलेजों में दी जा रही है। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, Prime TV के लिए। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ भूमाफियाओं और अवैध कब्जा धारकों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर अभियान को रफ्तार देने में जुटी हुई है, तो वहीं संत कबीर नगर में घनघटा थाने की पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर अवैध कब्जे का विरोध करने वाली महिला ग्राम प्रधान के परिवार का उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात करके उन्हें मामले से अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दोबारा फतेहगढ़ क्षेत्र के जिला जेल चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते लोगों में हड़कंप मचा दिखा। इस दौरान बसपा नेता के कब्जे से खाली कराई गई वित्त विकास निगम की जमीन पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी भूमि पर नहीं रहने दिया जाएगा, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्राम कुटरा में जो वित्त विकास निगम की भूमि थी उसको लेके यहाँ पे हमें तारबंदी करानी थी, तो जो मलबा पड़ा हुआ था या छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स खड़े रह गए थे तो उनको आज हमने हटा दिया और यहाँ पे किस तरीके से ये प्लेन करा दिया कि तारबंदी आसानी से हो सके और हमारी भूमि सुरक्षित। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिन 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों ने लखनऊ के निषादगंज स्थित SCERT कार्यालय का घेराव करते हुए कहा कि जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे तब तक विकलांग शिक्षक और बच्चे कड़ी धूप और गर्मी में प्रदर्शन करते रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6,800 आरक्षण घोटाले के पीड़ित
विगत महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि इस समय SRTC निषादगंज में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर। और वहीं आपको बताएं कि बीते अगर देखा जाए तो 70 दिनों से अस्थायी रूप से ये इको गार्डन में अपना डेरा जमाए हुए थे। अब वो लखनऊ की सड़कों पर पहुंचकर अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, इनसे बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और क्या है पूरा मामला और क्या सरकार से आप मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम शान वर्मा है, मैं मथुरा से आई हूँ। मैं पीड़ित हूँ 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ, उस घोटाले के लिए हम लोग यहाँ पे हमें 6800 सीटें दी गई मुख्यमंत्री के कहने पर। ऐसा हुआ था, मामला ये है, 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। हम लोगों ने अधिकारियों से कहा कि इस 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जांच कीजिए और हम लोगों को, पिछड़े दलितों को न्याय दीजिए। अधिकारियों ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, तुम लोग झूठ बोलते हो, पारदर्शी तरीके से हुई है ये भर्ती, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहां से अपनी रिपोर्ट निकलवाई, उसमें पाया गया कि आरक्षण का इसमें घोटाला हुआ है। फिर भी इन अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी। फिर हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले, उन्होंने अधिकारियों से बोला कि इनका हित प्रभावित हुआ है तो जांच की जाए 69 शिक्षक भर्ती की और देखा जाए कि इसमें कितना घोटाला हुआ है। फिर क्या हुआ, इन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच की तो उसमें पाया गया कि 6800 सीटों का घोटाला हुआ है। हम इसमें 6800 सीटों का घोटाला होने के बाद 5 जनवरी 2022 को चयन सूची दी गई OBC ST की, 5 6800 सीटें दी गई। 6800 सीटों पर सिर्फ चयन सूची आई है, ना अभी जिला आवंटन हुआ, ना काउंसिलिंग शेड्यूल जारी हुआ, ना हमें नियुक्ति पत्र मिला। बताइए हम क्या करें, कहां जाएं, कौन सा दरवाजा खटखटाएं जिससे हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये बताइए कि जिम्मेदारों की तरफ से आपको एक डेट दी गई थी, जो आप अपने ज्ञापन में अभी दिखा रहे थे कि 5 तारीख को, इसमें बताया जा रहा है कि 5 तारीख को आपको डेट दी गई थी, उसमें क्या हुआ और सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारान है उनकी क्या दलील दी गई। अधिकारियों की इतनी लापरवाही रही कि उन्होंने बोला था कि 5 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इन्होंने इतनी हिलावाली की कि 5 जनवरी को इन्होंने सिर्फ चयन सूची दी, नियुक्ति पत्र नहीं, इतनी लेट सूची चयन सूची कर दी कि 5 जनवरी को इन्होंने नियुक्ति वो क्या कहते हैं चयन सूची दी। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव आया, आचार संहिता लग गई, इन्होंने कहा आचार संहिता लग गई, हम आचार संहिता के तुरंत बाद आपको नियुक्ति पत्र देंगे। आज हमें 2 महीने हो गए लखनऊ की सड़कों पे, हमें नियुक्ति पत्र का कहीं कोई अता पता नहीं है, हम हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े दलित हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप बताइए आगे की लड़ाई क्या होगी, अब आगे आप लोग प्रदर्शन महीनों से कर रहे हैं, इस सरकार जब दूसरी सरकार बनती है फिर प्रदर्शन अभी जारी है, तो क्या अब प्रदर्शन से हट कर और कुछ अलग करेंगे आप? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया जाएगा हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, लखनऊ की सड़कों पर रहेंगे, यहीं पर अपना आत्मदाह कर देंगे हम लोग जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक। जी बेशक, हमारे साथ अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पे कहना कहीं ना कहीं वो आशा अपेक्षा लगाएं सरकार से बैठे हुए हैं कि नियुक्ति पत्र मिले, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा सरकार को जगाने का काम किया करते रहेंगे। बलिया जिले के हल्दी क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां पिता और उसकी 2 बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों बेटों का शव गांव के दूर कुएं में मिला, जबकि पिता का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी, जिसका खुलासा पुलिस ने महज 8 घंटे में करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ के कुएं में है, तो पुलिस वहाँ पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वूंड्स हैं वो स्टैब वूंड्स हैं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में थी। कुछ कारणों से संदीप को और विक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था, और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा, फिर विक्रम को मारा, और उसके बाद इनको मालूम था कि इनके पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं, तो वो कहीं बता ना दें तो उनको भी घर में जाके मार दिया। बहराई
राइज के थाना मोदीपुर कल्लूगौड़ी गांव में बीते 29 मई को खेलते समय अचानक एक 4 वर्षीय मासूम लापता हो गई थी, जिसका शव पुलिस ने बरामद करते हुए पोस्टमार्टम कराया है। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार घटना का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पिता की प्रेमिका ने बच्ची को अपने माता पिता के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कल्लू गौड़ी दाखिला पड़वा थाना मोतीपुर में एक 4 वर्षीय बच्ची शाम को 4 बजे खेलते हुए घर से गायब हो गई थी। उसमें 363 IPC का अभियोग पंजीकृत करके स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी तलाश की गई, परंतु वो नहीं मिली। प्रातःकाल 30 तारीख को सूचना मिली कि शव उसका वहीं घर के पीछे पड़ा हुआ है। इसमें तीनों को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के आधार पर अभियोग को 302 में परिवर्तित करके उनका पुलिस रिमांड लिया गया है। विवेचनात्मक मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के ख्वाजा नगर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान चोरों ने रिहायशी इलाके में सड़क किनारे खड़े वाहनों से बैटरी चोरी करके फरार होते हुए नजर आए, जबकि चोरों की ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में तेजी दिखाते हुए पनकी थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लाखों रुपए का माल भी बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधियों में अनमोल चौहान, प्रेम यादव और राजकुमार शामिल है। इन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। ये आरोपी चोरी लूट जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। वही पुलिस को आरोपियों के पास से सोने चांदी के सामान के साथ कट्टा भी बरामद हुआ है। हमारे पश्चिम जोन के थाना पंकी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो जिले के क्राइम टीम और पश्चिम जोन के स्वाट टीम के सहयोग से थाना पंकी ने बहुत बढ़िया एक सकुशल सफलता कार्य किया है, जिसमें हमने एक गैंग को पकड़ा है। गैंग लीडर का नाम है, एक गैंग लीडर और 2 अन्य गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं। गैंग लीडर का नाम है अनमोल चौहान, इनके ऊपर करीब 6 मुकदमे हैं, और दूसरे सदस्य का नाम है प्रेम यादव और तीसरा है राजकुमार उर्फ शेरा, इनके ऊपर करीब 12 मुकदमे हैं। लेकिन अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कहीं दूसरे ज़िले में या कहीं पर भी इनके ऊपर कोई मुकदमा है तो उसी के आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।